में हम लोगों ने किया था कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस किया था, ठीक है। आज हम उसी को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हमने कंडक्टिविटी का रिलेशन जो है मोलर कंडक्टेंस और इससे जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से रिलेट किया था, इज इट ओके। चलिए, सो अभी एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इस बात को पहले समझते हैं, ठीक है। आप देखें, जैसे यहां पर अगर हम मान लीजिए इस तरफ हम लैम्डा मोलर लिखेंगे, ठीक है, और इस तरफ जो है लैम्डा इक्विवेलेंट लिखेंगे सेम सॉल्ट के लिए। देखते हैं, जैसे लैम्डा मोलर फॉर NaCl, लैम्डा मोलर फॉर NaCl कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, जो लैम्डा ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, दो आयंस का सम है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ NaCl कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल ही सेम है, दोनों जो है सेम है, सुनते जाइए, मैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेके आपको बात बता रहा हूं। देखो, अब इसके बाद अगर हम एग्जांपल लें लैम्डा मोलर ऑफ BaCl2, सो इसमें हम लिखेंगे लैम्डा ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव एंड प्लस 2 टाइम्स द लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, क्योंकि यहां पर क्या है, क्लोराइड हमारे पास दो है, सही है, 2 टाइम्स द कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आए, ठीक है। अच्छा, जबकि यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर BaCl2 लिखना होगा। देखो, यहां पे आपको डिफरेंस पता चलेगा, इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स द कंडक्टेंस ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव। 1/2 क्यों लिखा, अब देखिए डिफरेंस, 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि बेरियम पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, सो इसलिए जो है इक्विवेलेंट के केस में हमें उसके n फैक्टर से, मतलब उसके चार्ज से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है इसको डिवाइड किया, और ऐसे क्लोराइड का चार्ज 1 नेगेटिव है तो उसको बाय 1। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है, मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है सबको, क्योंकि मैं देख रहा हूं रिस्पॉन्स की तरफ से सन्नाटा, इसका मतलब समझ में आ रही है सबको मेरी बात, गुड, ठीक है, सुन लीजिए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग, दैट इज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लैम्डा मोलर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स लैम्डा ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए इट इज
इसकी इक्वलेंट कंडक्टेंस क्या बोलेंगे, इट इज 1/3 लैम्डा ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 1/2 लैम्डा ऑफ सल्फेट आयन। सही है बात, ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज 2 नेगेटिव है। अब इस लास्ट वाले से हम देखने की ट्राई करते हैं, इनमें रिलेशन बनाने की ट्राई करते हैं, इन लास्ट वाले से आपको पता चल जाएगा। सो दैट मींस हम कह सकते हैं कि लैम्डा जो मोलर है दैट इज एन टाइम्स द लैम्डा इक्वलेंट। ये एन क्या है, बेसिकली इट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है। अब एन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एन फैक्टर लिख दें सीधे सीधे वो भी सही है, या ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। मोर लगा दिया मैंने कि मैग्नीट्यूड, जैसे सुन लो, जैसे यहां पर कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है, 6 है, 6, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आयरन को, ठीक है, 6 है, तो इसका मतलब कि लैम्डा मोलर इज 6 टाइम्स, और ये प्रूव भी हो रहा है यहां पे, यहां पे आप देख लो कि इस केस में लैम्डा मोलर इज 6 टाइम्स द लैम्डा इक्वलेंट। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू, इज इट ओके, आपको बात समझ में आ गई बेटा जी, ठीक है। सो ये जो है ये आप ध्यान दीजिए, इज इट ओके। चलिए नोट कर लिया सबने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, नाइस। चलो चलो, कृष्णल ने करना है, देखो n फैक्टर जो है, n फैक्टर को Rn में कह रहा हूं, इट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। मैंने कहा n फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। जैसे BaCl2 के केस में बोलू, बेरियम पे कितना चार्ज है, 2 है, टोटल पॉजिटिव 2, सो लैम्डा मोलर इज 2 टाइम्स द लैम्डा इक्विवेलेंट, आप मल्टीप्लाई कीजिए, बस। Rn समझ आ गई तेरे को बात, यहां पे 1 नहीं है तो मोलर और इक्विवेलेंट दोनों बराबर है, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट एक मिनट, हमारे इस पे जो है रिफ्लेक्शन काफी पड़ रही है कहीं से, ठीक है, बट इट इज फ्रॉम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलिए जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा ठीक कर लूं, ना वेट, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब सुने, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखें सारे लोग जो है। सेल कॉन्स्टेंट इज एल अपॉन ए, कीजिए एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं। कंडक्टिविटी ऑफ 1/50 नॉर्मल केसीएल एट 298 केल्विन इज 0.001765 ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। कैलकुलेट सेल कांस्टेंट जो कि एल अपॉन ए होता है। ऑल्सो फाइंड लैम्डा इक्वलेंट ऑफ अबव सॉल्यूशन, मतलब इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ अबव सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मिनट में दे रहा हूं आपको, फिर मैं करवाने लगूंगा। ठीक है ना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, आपने किरचॉफ्स लॉ कर लिया है फिजिक्स में, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह? अच्छा, भी नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, जब आप कर लोगे, बिल्कुल सही उत्कर्ष, तेरा आंसर मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, उत्कर्ष का आंसर आ गया। प्लीज आंसर पे आप ध्यान देते रहिए। एकदम सही,
मोक्ष ने आंसर निकाल दिया, बहुत सही। आ गए प्रभनूर। नहीं विभोर गलत आ रहा है एक्चुअल में। प्रभनूर मसला पता क्या है, मसला ये है कि सॉलिड स्टेट की जो क्लास का मामला है ना वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से आ रहा है एक्चुअल में। बाकी स्टूडेंट मेरे को मना कर रहे हैं कि सर इसको ऑफलाइन में लगाओ तो फायदा होगा, ऑनलाइन में नहीं होगा फायदा, ठीक है। इसलिए जो है मैं रुक रहा हूं, नहीं तो मेरे को डाउट सेशन ठीक है उसमें तो हम पूरा लगा देंगे। हाँ देखो अनुपम खरे कह रहा है ऑफलाइन ही करना है, ठीक है। इसलिए जो है अभी मामला ये आ गया कि तू अकेला जो है लगाना चाहता है ऑफलाइन, जब सरकार अलाउ करेगी महीने भर से तो मुझे लगता है खुल ही जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से डिले नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में बच्चे नहीं चाहते हैं, ये ऑफलाइन ही ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है मेरे से ऑफलाइन वो जानते हैं ना कि सॉलिड स्टेट इतना स्ट्रांग टॉपिक है कि उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ चलो आंसर दो मेरे को, इसका आंसर दो। कुछ कुछ आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। हाँ हाँ अगस्त में बिल्कुल लग रहा है कि जो है खुल जाएगा, बिल्कुल। रुद्र ने मेरे को आंसर दिया है और एकदम सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करें इसको, देखते हैं। सो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है बेटा जी, पहले हम जो है सेल कांस्टेंट की कैलकुलेशन करते हैं, पहले सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। सो देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि कप्पा इज इक्वल टू सी एल अपॉन ए, ठीक है। सो दैट मीन्स और साथ में C इज इक्वल टू वन अपॉन आर एंड L अपॉन A इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C विच इज इक्वल टू C इंटू आर, सही बात है। सो हमारा जो सेल कांस्टेंट है दैट इज C इंटू आर। अब हमारे पास सॉरी एक मिनट। सो K अपॉन सी, हाँ बिल्कुल K अपॉन आर, सॉरी K इंटू आर। अच्छा अब इसमें अपने पास आप देखिए L अपॉन A क्या होगा, कपा, कपा कितना दिया है सेम लिख लेंगे हम 0.001765 एंड रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, बस बात खत्म। ये आ गया 0.1765 है ना एल अपॉन ए, तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा ये इसका यूनिट। एक तो ये ही आ गया। उसके बाद जो है अब हमने इक्वलेंट कंडक्टेंस निकालनी, हमने पढ़ा क्या था कि इक्वलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, बस ठीक है। 1000 कप्पा की वैल्यू हमें दी है 0.001765 एंड नॉर्मेलिटी 1/50, ठीक है। सो 1/50 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 88.25 यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। बेटा जी बोलो बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बहुत नाइस, ठीक है। अच्छा आकर्षित कह रहा है एक और क्वेश्चन जो है, लेकिन आकर्षित मेरे पास ना आई एम सॉरी यार एक्चुअल में पैकेज नहीं है इस टाइम पे मेरे पास ना, ठीक है, नहीं तो मैं प्रैक्टिस आपको एक और क्वेश्चन और करवा देता, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी पैकेज का इंतजाम ना होने की वजह से मैं और क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन चलिए देखता हूं मैं क्लास के इसमें जो है मेरे को मिल जाता है बीच में तो जो है आई विल गो फॉर इट। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आकर्षित जो कह रहा है वो जरूरी हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आप सब लोगों के पास जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैकेज है आज खूब प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। अच्छा सुने मेरी बात, अब
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है। अब हम जरूरी हिस्से पे प्रोसीड कर रहे हैं, एक अगला हिस्सा जो है इसका, ठीक है, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज विद डाइल्यूशन। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ट्रेंड बता दूं। देखो, मेडिकल के लिए वो सही स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ज्यादा आते हैं, लेकिन जब आईटी की बात आती है, जी एडवांस की बात आती है, ये वाला पोर्शन उनका फेवरेट है जिसको हमने डील किया, क्योंकि लोग इसको वीक रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस हिस्से पे जेई मेंस में इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल ठीक है, लेकिन जो है कंडक्टेंस वाला हिस्सा जो है जेई एडवांस का फेवरेट रहा है, वो इस हिस्से से जो है पूछते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अपना स्ट्रांग रखिएगा आप, ठीक है, सुनते जाएं, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ नीट में इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, एंड नॉन स्टिक क्वेश्चन जो है वो चलेगा। सुने, अब मैं जरूरी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं कि हमारी इक्वलेंट और मोलर कंडक्टेंस जो है वो कैसे वेरी करती है विद डाइल्यूशन, मतलब कि आप पानी डालोगे तो हाउ दैट विल बी अफेक्टेड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर जो है हमने थोड़ी सी बात तो की थी, हमने देखो हमने क्या कहा था, अभी जो पिछले कल वाले लेक्चर में था उसमें हमने कहा था कि कपा जो है डाइल्यूशन के साथ कम होता है ना, हमने कहा था लैम्डा मोलर इज 4 times कपा, ठीक है, एंड देन लैम्डा मोलर इज 10 times कपा। तो हम क्या कह रहे थे कि लैम्डा मोलर तो कांस्टेंट रहेगा जी, लैम्डा मोलर तो कांस्टेंट रहेगा, कपा 1/4 हो गया, 1/10 हो गया डाइल्यूशन के साथ, ठीक है ना ये। लेकिन ये भी बात गलत है कि लैम्डा मोलर या लैम्डा इक्विवेलेंट डाइल्यूशन के साथ बदलते ही नहीं है, बदलते हैं। लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट जो है डाइल्यूशन के साथ जो है बिल्कुल बदलते हैं। तो किस तरीके से बदलते हैं ये हमने देखना है, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जहां तक बात है, सो देयर वाज वन इक्वेशन गिवन, ठीक है ना, इक्वेशन इज कॉल्ड DHO इक्वेशन। डिवाइड हकल ऑनसेगर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो ये कहती है कि लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू, ये एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी इंटू रूट सी, ठीक है। यहां पे बी कांस्टेंट है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट की स्टोकियोमेट्री पे डिपेंड करता है। सुन लीजिए, पहले ये टर्म्स भी आपके लिए नहीं है, लैम्डा मोलर एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन यहां पे कंसंट्रेशन जो है यहां पे मेंशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन जो है मेंशन होनी चाहिए, भाई 1 molar 2 molar कितनी, ठीक है, जो कि ये ओ सी ये है किस कंसंट्रेशन पे, तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। और दूसरा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब खूब पानी डाल दिया उसमें, खूब पानी डाल दिया जिससे कि उसकी पूरी डिसोसिएशन हो गई, ठीक है। सो इनफाइनाइट जब मैं स्टैंडर्ड लगा रहा हूं तो दैट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कई बार यहां पे इन्फिनिटी भी लिखा होता है, बी कांस्टेंट है, ठीक है,
इसको DHO इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो बी एक कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले पे ये डिपेंड करता है, तो ये हमें ऑलवेज गिवन होगा, ठीक है। अच्छा सुने, अब ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा ग्राफ यहां पे जो है जरूरी है, दैट इज लैम्डा मोलर और रूट ऑफ कंसंट्रेशन का जब हम ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो एक मैं रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए आप। तो अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की विद डाइल्यूशन जो है ऐसे वेरी करती, मतलब इधर से इधर को जा रहे हैं हम, रिवर्स को जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा रिवर्स को जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं अब, क्योंकि मुझे लगता है हमने टिल्ट इसको काफी दे दिया बस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिस इज द सिचुएशन, अब बात यह आती है कि आखिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के साथ, मतलब कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है तो डाइल्यूट इस तरफ हो रहा है ना, ठीक है। सो डाइल्यूशन के साथ भैया क्यों बढ़ रहा है, डाइल्यूशन के साथ जो है वाई द मोलर कंडक्टेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन चल रही है डाइल्यूट करते गए भाई कितना पानी डालोगे आप, ठीक है ना। तो आप मान लो डाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दीजिए और ये जो पॉइंट होगा इट विल बी मोलर कंडक्टेंस या इक्वलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सही बोला कि नहीं। आप इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके जो है यू कैन फाइंड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब सुनते जाएं, मामला यह आता है कि वाई दिस इंक्रीजेस, क्योंकि मसला पता क्या है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप अपने दिमाग में जो है केसीएल इमेजिन कर लो, केसीएल इमेजिन कर लो, तो भैया केसीएल तो किसी भी कंसंट्रेशन पे जो है जब एक्वस मीडियम में है बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो तो फुल्ली डिसोसिएटेड ऐसे भी होगा, तो पानी डालने से केसीएल पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। केसीएल तो पूरी तरह से डिसोसिएटेड है तो केसीएल पे पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बात है सुनते जाइए अब ध्यान से, जो मैं बात बताना चाहता हूं, देखो हम, हाँ सही बात है आकर्षित समझ रहा है, ठीक है। अब आप जब रिस्पॉन्ड करते रहते हैं ना मुझे जो है, मैं देखता हूं सबके जो है, मैं सबके जो है रिस्पॉन्सेस को देखता हूं, मेरे को हिम्मत बढ़ती है कि यार लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग एक यूनिटी हैं, भले हम जम्मू के अलग अलग हिस्से में बैठे हैं, कोई कश्मीर में बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है, ले से कोई क्लास ले रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वही क्लास की तरह ही बैठे होंगे, ठीक है ना। इट गिव्स द कॉन्फिडेंस, तो जब आप क्लास लगाते हैं, ठीक है ना, तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है ना, बिकॉज आई एम वॉचिंग यू एंड यू आर वॉचिंग मी, ठीक है ना, ओके बिल्कुल। अब सुने मेरी बात, देखो केसीएल पूरी, अब देखते हैं कि अगर हम केसीएल कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो आपको यह समझनी है कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होगी, जब ज्यादा से ज्यादा आयंस जो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तभी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। अब देखो आप सुनो, मान लो यहां पर मैंने, देखो ये सपोज नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसकी तरफ कैटायन ने जाना है, ठीक है ना, कैटायन इसकी तरफ जाएगा। अब मान लो केसीएल जो है के पॉजिटिव ने इधर जाना है, लेकिन के पॉजिटिव अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, केसीएल जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो क्या होगा, होगा ये जी कि जो के पॉजिटिव है That will be surrounded by so many Cl negatives, है ना? K positive will be surrounded by so many Cl negatives. बोलो होगा ऐसा कि नहीं?
जब कंसंट्रेटेड होगा, भले डिसोसिएटेड होगा, लेकिन के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा ना. सो के पॉजिटिव विल बी सराउंडेड बाय सो मेनी सी एल नेगेटिव. इट इज कॉल्ड केज. इट इज कॉल्ड केज. सो कंसंट्रेटेड कंडीशन में के पॉजिटिव के अराउंड जो है सी एल नेगेटिव का केज बड़ा होगा, और वो ऐसे ही सी एल नेगेटिव के अराउंड के पॉजिटिव का होगा. ठीक है. सो अब होना क्या है कि यहां से यहां जाने के लिए इस के पॉजिटिव को ये सारा केज ड्रैग करना पड़ेगा अपने साथ, नहीं खींचना पड़ेगा ना भाई. देखो ना, मैं ऐसे दिखाऊं कि भाई के पॉजिटिव मान लो जाना भी चाह रहा है आगे सी ऐसे, ठीक है, तो के पॉजिटिव को ये सारे का सारा ड्रैग करना पड़ेगा ना अपने साथ. बोलो सही बात है. ठीक है, क्योंकि ये नहीं छोड़ेंगे इसको, ये नहीं छोड़ेंगे. के पॉजिटिव जाएगा तो ये भी जाएंगे साथ में. तो कंसंट्रेटेड कंडीशन में उसका जाना टफ हो जाएगा, भले ही वो फुली डिसोसिएटेड है. लेकिन जब जो है डाइल्यूट सिचुएशन होगी तो ये केज का साइज क्या होगा, केज का साइज छोटा हो जाएगा. मतलब जैसे ऐसे में सिचुएशन कहूं कि भाई कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये फास्ट चलेगा. मतलब ये कंसंट्रेटेड हो गया, ये डाइल्यूट हो गया, और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गई तब तो के अराउंड सी एल नेगेटिव रहेगा ही नहीं, तो फास्ट चलेगा. सबसे फास्ट तब चलेगा जब जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सबसे फास्टली तब चलेगा. मतलब ये हो गया स्लो, ये हो गया फास्ट, और ये हो गया वेरी फास्ट. समझ गए बात? आपको मेरी बात समझ में आ गई? बढ़िया से समझ में आ गई. सो हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आसानी से चलेगा, ठीक है, इसलिए ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है. हाँ, केज का साइज छोटा हो जाएगा तो इसलिए वो फास्ट. फिर अब इन बिल्कुल आकर्षित को समझ आ गई बात, है ना? तो दिस इज द रीजन बिहाइंड, दिस इज द रीजन बिहाइंड. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, ये चल 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 वंशी का बिल्कुल बिल्कुल नोट कर, नोट कर. चलिए, वंशिका ने कर लिया, मतलब सब ने कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ वंशिका से मतलब है, है ना? चलो अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे. आगे अब हम देखते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ग्राफ की सिचुएशन होती है वो कुछ ऐसी होती है. ग्राफ की जो शेप है ऐसी है. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे जब हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, लेट अस थिंक अबाउट, मैं बता रहा हूं आकर्षित, लेट अस थिंक अबाउट एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड को जब पानी में डालोगे सो वो एसीटेट आयन देगा और साथ में एच पॉजिटिव देगा, ठीक है. सो अब क्या होता है, हाँ अब क्या होता है आकर्षित जी, कि जब हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे तो इसमें दो चीजें होंगी. एक तो वो तो होगा ही जो केज का साइज छोटा होगा, ठीक है,
ठीक है, वो तो होगा ही, ठीक है ना। लेकिन उससे भी बड़ी चीज एक होगी जो ऑस्टवॉल डल्यूशन लॉ में कहा गया था कि नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, क्योंकि जैसे ही आप डल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ एसिटेट एंड एच पॉजिटिव आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। सही बात है, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं इंक्रीज करने की मैं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। एच पॉजिटिव आयंस तो बढ़ेंगे, है ना, मतलब जैसे आपकी कंसंट्रेशन जो है कम होगी, सो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयंस विल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ एसिटेट आयंस विल इंक्रीज। ये दोनों आयंस जो है इनका नंबर जो है इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से एक्सपोनेंशियल राइज होगा, ठीक है। मेन फैक्टर ये है, क्योंकि जब आयंस ही बढ़ गए यार, ठीक है ना, तब तो जो है ऑब्वियसली कंडक्टेंस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा बिल्कुल। उदिता को आ गई, वंशिका को आएगी, जयकरण को आ गई, नाइस। अच्छा मैं यहां पर जो है, ठीक है, आर्यन बख्शी को आ गई, नाइस। अब सुने, अब ध्यान दीजिएगा। देखो मैं यहां पर अब, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग का भी देख लिया, हाँ प्रभनूर को मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा प्रभनूर जी हो क्या रहा है कि जैसे आप जो है कंसंट्रेशन घटाओगे, डाइल्यूट करोगे किसी सॉल्यूशन को, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टवॉल डाइल्यूशन लॉ नंबर ऑफ एच पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ एसिटेट आयंस शुड इंक्रीज। डाइल्यूशन के साथ आयंस इंक्रीज करेंगे, आयंस इंक्रीज करेंगे भाई, कंडक्टेंस को तो मेन तो आयंस ही चाहिए ना, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टेंस, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल राइज होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अग्रिम को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना, आकर्षित को भी आ गया। चलो अब सुने आप मेरी बात। तो पहली बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई इक्वेशन वगैरह नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डीएचओ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा मैं स्ट्रॉन्ग को भी यहां पे लिख रहा हूं, एक बार कंपैरिजन के लिए मैं स्ट्रॉन्ग को यहां पे लिख रहा हूं कि जैसे स्ट्रॉन्ग के लिए जो लाइन रहती है वो कुछ ऐसी रहती है, आप इसको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई मान लीजिए, या मैं थोड़ा ज्यादा टिल्ट दे देता हूं, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसी रहती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसी रहती है, वीक के लिए ऐसी रहती है। अब एक बड़ा अंतर जो है दोनों में क्या आया, आप देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जो है एक्स्ट्रा प्लॉट करके लैम्डा इनफाइनाइट मोलर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी लिख लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आप इनफाइनाइट डल्यूशन पे कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, इज इट ओके। लेकिन क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सपोनेंशियल जा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा प्लॉट करके उसकी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डल्यूशन नहीं निकाल सकते। सही बोला कि नहीं? आप भाई एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, क्या करोगे, ये कहीं टच, आपको पता ही नहीं है कि ये टच कहां करेगा, है ना, यू डोंट हैव एनी एंगल। सो सुन लीजिए, कुछ नहीं, वो आकर्षित सुन ले, ये दोनों मिलने से कुछ नहीं होगा, आकर्षित ये अलग ग्राफ की लाइन है, ये अलग की है, ये KCl की है, ये एसिटिक एसिड की है, इनके मिलने, ये अलग सॉल्यूशन में मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए दोनों को एक जगह डाला है ताकि आप दोनों का कंपैरिजन कर सकें, अदरवाइज उसका ग्राफ अलग है, उसका अलग है, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है। सुने तो आकर्षित जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके नहीं निकाल सकते, तो पहले तो आप स्टार लगा के कॉन्क्लूजन लिखिए, कॉन्क्लूजन, ठीक है ना, दैट इज के लैम्डा मोलर इनफाइनाइट, या जीरो लिख सकते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट can be found experimentally but it is not possible
for weak electrolyte. क्या आपको कॉन्क्लूजन समझ में आ रही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह संभव नहीं है? ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये एक्सपेरिमेंटली किया हमने, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये बात जो है बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके ओके, आर्यन ने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मोक्षा ने नोट कर लिया, नाइस। एंड मोक्षा बहुत सीरियसली काम करता है यार, आई एम हैप्पी मोक्षा तेरे से ना, मतलब जो तू एफर्ट लगाता है बाय गॉड से मजा आ जाता है, मतलब यू टेक पेन ऑफ द थिंग, ठीक है ना। सो बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुने अगली बात। तो भाई बात यह है कि हम लोग अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते तो एक्सपेरिमेंटली तो नहीं निकाल सकते, वो तो प्रूव हो गया, लेकिन अब भाई निकालनी तो है, ठीक है ना। तो निकालने के लिए जो सबसे एक्यूरेट जो लॉ दिया, दैट वॉज गिवन बाय, ठीक है यही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, वो था कॉलरॉस लॉ। लोग पता नहीं बच्चों के कैसे कैसे नाम रख लेते हैं यार, कॉलरॉस कोई नाम हुआ, ठीक है। ठीक है, कॉलरॉस लॉ, ठीक है। तो ये लॉ कहता क्या है? हाँ, पेरेंट्स का भी ऐसा ही होगा, सही बात है। तो ये लॉ कहता क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो ये जो दो स्टेटमेंट है ये बड़ी, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है बेसिकली कॉलरॉस लॉ की मेन स्टेटमेंट वही है और वो ही पावरफुल स्टेटमेंट है इसकी। देखो इसने कहा कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे
हर कोई आयन जो है अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देता है। इनफाइनाइट डल्यूशन पे हर कोई आयन अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देता है विच इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन। जैसे मान लो हम केबीआर की ही बात करें, सुनो केबीआर की बात करें भाई, पहले समझ लें इस लॉ को कि जैसे मान लो केबीआर है, ठीक है। अब केबीआर में मान लो जब वो वन मोलर है, जब उसकी कंसंट्रेशन एक मोलर है, तो क्या होगा, के के अराउंड कुछ बीआर नेगेटिव होंगे, सही बात है, एक केज होगा जो उसको ड्रैग करके ले जाना होगा, सही बात है, जब वो एक मोलर है। अब सुनो हमने कंसंट्रेशन घटा दी, मान लो इट इज 0.001 मोलर केबीआर हो गया, तो अब क्या होगा कि के के अराउंड जो है, के पॉजिटिव के अराउंड बी आर नेगेटिव बहुत कम होंगे, ठीक है, मान लो ऐसे डिक्रीज हो गए, इज इट ओके। अब देखते जाइए, और जब इनफाइनाइट डल्यूशन होगी, ठीक है, इनफाइनाइट डल्यूशन पे कंसंट्रेशन विल बी अप्रोचिंग जीरो, सो के पॉजिटिव अकेला रह जाएगा, के पॉजिटिव के अराउंड कोई बी आर नेगेटिव नहीं रहेगा, सही बात है, ठीक है, है ना, के पॉजिटिव बिल्कुल अलग रहेगा। मतलब इस टाइम पे सुनो, मतलब इस टाइम पे के पॉजिटिव जब इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो वो उसकी अपनी पर्टिकुलर कंडक्टेंस होगी, उसमें बी आर नेगेटिव का खींचने का कोई रोल नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी तो फर्क पड़ेगा। देखो अभी किस बात का फर्क पड़ेगा, सुन लो, देखो जैसे मैंने कहा कि के के अराउंड बी आर है तो बी आर के अराउंड के भी होगा, तो मतलब इस टाइम पर एक मोलर में इस बात का फर्क पड़ेगा कि भाई हमारा सॉल्ट कौन सा है, केबीआर है कि केसीएल है। केबीआर और केसीएल में ही के पॉजिटिव की कंडक्टेंस अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि बीआर नेगेटिव बड़ा आयन है, उसको ज्यादा बड़ा ड्रैग करने पड़ेगा, जबकि चार यहां क्लोराइड होंगे, उसको आसानी से ले जाएगा, ये फ्लोराइड को और आसानी से ले जाएगा। मतलब इस कैटायन के साथ एनायन कौन से हैं ये भी फर्क डालता है जब वन मोलर है, सही बोला कि नहीं भाई, के देखो जा के ही रहा है, लेकिन उसके साथ चार बी आर नेगेटिव जा रहे हैं, चार सीएल नेगेटिव जा रहे हैं या चार एफ नेगेटिव जा रहे हैं, ये तो फर्क पड़ेगा ना। सो दैट मींस नॉर्मल कंसंट्रेशन पे आप आयन की सही सही कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दैट इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग आयन। ऐसे ही किसी भी कंसंट्रेशन पे, लेकिन इनफाइनाइट पे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि के के अराउंड, इनफाइनाइट से इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि के के अराउंड क्या है, के के अराउंड जो है बी आर है कि सी एल नेगेटिव है या एफ नेगेटिव है, क्योंकि ये आयंस एक दूसरे से इतने दूर हैं कि जो है दे डोंट अफेक्ट, सही बोला कि नहीं बेटा, समझ आई मेरी बात, सबको समझ में आ गई। मुझे लगता है यार एक बात मुझे लगती है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा माहौल होता है ऑफलाइन से, नहीं देखो, नहीं ऑनलाइन में ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना, मतलब अगर जिसको कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा हो, ठीक है ना, सो ऑनलाइन में आ जाता है यार, है ना, हाँ ये सही बात है कि ऑफलाइन में बच्चे शर्मा जाते हैं, ठीक है ना, नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात, तो इसका मतलब सुन ले, अब कॉलरॉस का ये लॉ जो, और ओवरऑल कंडक्टेंस वो तो किसी भी कंसंट्रेशन की होती है, जो सेकंड पॉइंट है वो तो किसी भी कंसंट्रेशन में ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ द कंडक्टेंसेस ऑफ इट्स आयंस, है ना, वो तो जैसे केबीआर की भी है, सम ऑफ के पॉजिटिव एंड बीआर नेगेटिव, वो ऑलवेज रहेगा। दूसरी स्टेटमेंट मैंने सिर्फ जो है एडिशनल इसके लिए लिखी हुई, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है दैट इज सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, वो तो हमने लिखा भी, लैम्डा मोलर इज लैम्डा एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा सी एल नेगेटिव, वैसे ही, ठीक है, डन, सबको ये बात समझ में। लेकिन इस इतनी सी स्टेटमेंट ने जो है भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे निकाल ली, देख लीजिएगा, आज हमारा टारगेट ये है, ठीक है ना, ये बात ऑनलाइन अपने को समझनी है, सुनते जाइए भाई किस तरीके से निकल गई। देखो
इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा, हम इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, सुन लीजिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो हमें ये निकालना है कि लैम्डा मोलर जो है एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डल्यूशन पे क्या होगा, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हमने कहा भी एक्सपेरिमेंटली तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डल्यूशन पे निकाल ही नहीं सकते, यही कहा था ना हमने, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमने निकालनी, स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की निकालते हैं। देखो कैसे, देखो भाई, हम क्या लेते हैं, कॉलरॉस ने मतलब लिया, सबसे पहले उसने लैम्डा मोलर इनफाइनाइट डल्यूशन जो है उसने ली HCl की, HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, HCl की तो निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो उसने क्या किया कि उसने जो है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो आप, मान लो 450 हो गए, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, जो भी यूनिट है, ठीक है, 450 ले ली, सब मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद उसने दूसरा लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट। देखो आयनिक में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि हर कोई सॉल्ट जो है फुल्ली डिसोसिएट होता है, तो सोडियम एसोसिएट इज ए, सोडियम एसीटेट इज ए सॉल्ट, तो ऐसे में वो फुल्ली डिसोसिएट होगा, ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे भी, ठीक है। सो ऐसे में जो है हम लोग, मान लो इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आई 200, वही एक्स्ट्रा प्लॉट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली लाइन 200 आ गई, सुन लो। अब तीसरा उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, अब मान लो इसकी जो वैल्यू है, मैं नॉर्मल वैल्यूज ऐसे ले रहा हूं, ठीक है ना, सो मान लो इसकी वैल्यू आ गई 300, सुनते जाइए, ठीक है। ये तीन आयंस, तो ये तीन सॉल्ट की हमें पता है। अब सुनो कॉलरॉस ने क्या कहा, मैं आराम आराम से बात बता रहा हूं, कई लोगों के दिमाग में आ भी गई होगी। कॉलरॉस ने कहा कि भैया इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो लैम्डा मोलर HCl की है, दैट इज लैम्डा ऑफ H पॉजिटिव एंड लैम्डा ऑफ Cl नेगेटिव, सही बात है, सम ऑफ आयंस तो होगा ही, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, ये इनफाइनाइट डिल्यूशन पे H पॉजिटिव को Cl नेगेटिव से ले लेना, ठीक है। अच्छा, और लैम्डा मोलर सोडियम एसीटेट इज लैम्डा ऑफ एसीटेट आयन एंड लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव आयन। मतलब कॉलरॉस ये कह रहा है कि एसीटेट इनफाइनाइट डल्यूशन पे, चाहे एसीटेट इनफाइनाइट डल्यूशन पे चाहे सोडियम एसीटेट का हो चाहे एसिटिक एसिड का हो, दोनों में वो कंट्रीब्यूशन बराबर देता है, ये पॉइंट है। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे बेटा जी, क्योंकि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे तो वीक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो जाएगा क्योंकि वो फुली डिसोसिएटेड हो गया, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे तो फुली डिसोसिएटेड हो गया ना बेटा जी, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल ऑल्सो बी, वीक इलेक्ट्रोलाइट विल ऑल्सो बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट वन मिनट, अच्छा सुने अब, तो ऐसे ही लैम्डा इनफाइनाइट मोलर ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसी चीज का यूज जो है इसने किया, इसने क्या कहा कि भाई जो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड होगा दैट शुड बी
lambda infinite of HCl plus lambda infinite of sodium acetate minus lambda infinite of NaCl. ये कैसे? अब इसको भी डिटेल में लिख देते हैं. lambda of H positive ये ले लिए हमने प्लस वाले, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, तो मैंने हो सकता है कहीं पे इनफाइनाइट एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ सी एल नेगेटिव. तो देखो आ गया ये एन ए पॉजिटिव से एन ए पॉजिटिव काट दो, सी एल नेगेटिव से सी एल नेगेटिव. वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग में बराबर है, तो ये हो गया. देखो ना अब क्या आ गया, इट इज लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ एसिटेट आए. सही बात है, ये बात समझ में आ गई. ठीक है, बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन. अब क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है. अगर तो यहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं. HCl का कितना है 450 एंड देन सोडियम एसिटेट 200 माइनस 300. आंसर कितना आ गया, बिल्कुल स्क्रीन पे लिख दिया होगा कई लोगों ने, 250 आंसर आ गया. 250 350 जो है आंसर आ गया. आ गया आपका आंसर, सबका आ गया. ठीक है, तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम नहीं निकाल सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो सॉल्व हो गई. हो गई सॉल्व, उदिता खुश हो गई. ठीक है ना, हाँ ठीक है. सो देखो इतने आसानी से कोलराज लॉ हमने समझ लिया. ठीक है, हाँ अब सुनते जाइए आप बस. कर लिया आपने नोट, नोट कर लो एक बार. हाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत बढ़िया आकर्षण को मजा आ गया. नाइस, देखो मैंने ये कहा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाटा है. ठीक है ना, और जो है हमने कहा कि ये जो है दिस इज थ्योरेटिकली दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस. ठीक है ना, ये बात है, इसके आयंस का सम है. और अब कोलराज ने कहा कि भाई एसिटेट, ये चाहे सोडियम एसिटेट का हो चाहे एसिटिक एसिड का हो, बराबर कंट्रीब्यूशन होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन. ठीक है, और वैसे एच पॉजिटिव चाहे एचसीएल का हो चाहे एसिटिक एसिड का हो, बराबर कंट्रीब्यूशन होगी. तो बस कुछ हमने मैथमेटिकली कुछ कॉमन आयंस लेके उनको डिडक्ट कर दिया कि भाई NaCl की कंट्रीब्यूशन सोडियम एसिटेट के Na से कैंसिल कर दो, Na पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की HCl के कर दो. तो क्या रह गया, H पॉजिटिव और एसिटेट आए, बस वही हमने कर दिया. और ये जो चीज है ये यहां से आ गई. आई होप ठीक है आपको बात समझ में आ गई. चलिए अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, उसके बाद हम बेटा जी आगे बढ़ेंगे. ठीक है,
एक मिनट, ये सवाल नहीं, ये सवाल मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, एक मिनट। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप कैलकुलेट करनी है, बाकी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी जो है इन फाइन रेजोल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaCl2 अमोनियम क्लोराइड 523.28, 280.0 एंड 129.28, इट इज 129.28, ठीक है। यूनिट तो है ही, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कैलकुलेट इन फाइन रेजोल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक आंसर मुझे मिल ही जाएगा फटाफट। वो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप सीधे सीधे। हाँ, मुझे एक आंसर आ गया, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मैंने कुछ वैल्यू सुनी गलत लिखी। एक मिनट, 523.28, एक मिनट, 280.0, 129.8, बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो आंसर फिर से दो। सही लग रहा है मेरे पास, थोड़ा सा और। हाँ 250 बिल्कुल सही है, 251.44 बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सबसे पहले ही आंसर मिल गया था मुझे जो है, ठीक है। हाँ ठीक है, नाइस। सो आ गया 251.44, करवाने की जरूरत तो नहीं है, करवाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल आ गया, ठीक है, नाइस। चलो मैं करवा नहीं रहा हूं, मुझे पता है कि अब सब लोगों का आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ चलो चलिए, बिल्कुल सही अग्रिम, नाइस। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, अब सुने आप, अब हम इस चीज का जो रुख है उसको ले चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखें आप, देखो एक बात का ध्यान दीजिए, जैसे मान लो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अब निकालना सीख गए, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो है निकालना सीख गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे सपोज मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, सुन ले आप, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, अगर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन
सपोज है 300, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन 300 है, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मान लीजिए एसिटिक एसिड की ही है, सपोज 500 ऐसे। सो हम ये कह सकते हैं, सुन लीजिए, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ऑलवेज ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगी, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, दैट इज लैम्डा मोलर एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन अपॉन लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड कितना डिसोसिएटेड है, तो ये हो गया जी 300/500। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो मतलब 3/5, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 3/5, जो भी आ रहा है, ठीक है ना, 0.6 अब 0.6, सही बात है। सो दैट मींस 60% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर अल्फा जो है 0.6 आ रहा है, दैट मींस देखो ना, इसको ऐसे देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है, एसिटिक एसिड जो है वो डिसोसिएट करता है एसिटेट आयन एंड प्लस एच पॉजिटिव, और हमने पढ़ा था इट इज सी, इनिशियली अगर सी है तो सी इंटू वन माइनस एल्फा सी एल्फा एंड सी एल्फा एंड के ए फॉर एसिटिक एसिड, जिसको हमने कहा था के ए इज एसिटेट आयन इंटू एच पॉजिटिव अपॉन एसिटिक एसिड विच इज गिवन एज सी एल्फा डॉट सी एल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस एल्फा एंड दैट इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा। सही बात है, ये हमने किया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, याद आई? ओके, अब सुने, तो ये तो हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम का, और हम जानते हैं अल्फा इज दिस वैल्यू, सो हम ये भी लिख सकते हैं कि के ए इज इक्वल टू सी इंटू लैम्डा मोलर एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का स्क्वायर वन माइनस लैम्डा मोलर पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। बोलो बेटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अल्फा की जगह यही तो लिखना है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ जो है रिलेशन आ गया इसका भी, ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। चलिए, मनस्वी ने कर लिया, नाइस। स्पर्श विभोर, ठीक है, जो लोग लेट आए हैं उनको बात समझ में आ रही है कि नहीं? कई लोग लेट भी आए हैं ना, ठीक है। आज देर इज वन स्टूडेंट जो कि नया आया है, कौन है आज नया बैठा हुआ, रिस्पॉन्ड करो। इसके बाद जो है ना, क्योंकि जस्ट एक ही क्लास बचती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगला टॉपिक बेटा जी क्या करेंगे हम, ये भी बता दे। अगला टॉपिक एनसीईआरटी में कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स कर लेते हैं, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते जाते हैं, है ना। केमिकल काइनेटिक्स अच्छा टॉपिक है,
नोट नोट कीजिए जल्दी से। बस एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं अब मैं आपको, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखें। चलो निकालिए, निकाल सकते हैं ना 349.83। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर आर 5.20 एंड 49.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, देन कैलकुलेट अल्फा एट दीज कंसेंट्रेशंस। मोलर कंडक्टेंस एच पॉजिटिव की इतनी है, एसिटेट की इतनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नहीं 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 मोक्षा, गलत आ रहा आंसर।
मैं कर रहा हूं ऐसे थोड़ा थोड़ा। आ गया आंसर, बिल्कुल सही है। सो इट इज 0.125 और इसका कितना है? कितना आ रहा है? यही 0.013। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई होप हो गया क्वेश्चन। समझ आ गई बात? हाँ बस आज के लिए इतना ही, उदिता इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी अभी देखते हैं, अगली क्लास में खत्म करेंगे इसको, थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे ये टॉपिक ओवर ही है, वैसे ये टॉपिक ओवर है, ठीक है ना, लेकिन एक बार थोड़ा सा, हाँ नहीं नहीं क्वेश्चन आकर्षित। अब अगली क्लास में आप भी थोड़े डाउट वाउट कर लेना, ठीक है। और डाउट सेशन कैसा चल रहा है आपका? जो नए सर है वो कैसे करा रहे हैं डाउट? नया सर डाउट्स कैसे करा रहे हैं? चलो रुद्र ने कर लिया, ठीक है। नया सर डाउट्स कैसे करा रहे हैं? डाउट सेशन हुआ था आज के नहीं हुआ था? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।